नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए बनेगा अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास। पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रिसर्च को बढ़ावा मिले इसके लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना जल्द ही होने वाली है। यह अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई जाएगी। इसमें रिसर्च सेंटर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास भी बनेगा। लगभग 9 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रिसर्च सेंटर में छात्रों के शोध के लिए सभी प्रकार का डेटा भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका लाभ पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ दूसरे विश्वविद्यालय के राज्यों को भी मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की माने तो इसके लिए लगभग 9 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह भवन साइंस कॉलेज परिसर में होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के मुख्य अभियंता को भवन का रूपरेखा बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार के 23 शहरों में 2022 तक पूरा हो जाएगा गंगा सफाई का काम। आने वाले 2 साल में गंगा सफाई और सौंदर्यकरण का काम पूरा होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की कवायद तेज हो गई है। साल 2022 तक राज्य के लगभग 23 गंगा शहरों में लगभग 5,858 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 52 प्रोजेक्ट का काम पूरा होने वाला है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में कई गंगा शहरों में विद्युत शवदाह गृह का काम, कई शहरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम पूरा किया जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में गंगा साफ करने को लेकर बीते 5 साल में कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। गौर करने की बात यह है कि राज्य में लगभग 445 किलोमीटर के गंगा घाटों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत केवल सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 30 बड़े काम किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 5,328 करोड़ की राशि खर्च की जानी है। इसमें पटना के अलावा फुलवारी, बेगूसराय, हाजीपुर, मोकामा, सुल्तानगंज, नवगछिया, बाढ़, भागलपुर, सोनपुर, छपरा, खगड़िया, फतुहा, बख्तियारपुर, मनेर, दानापुर, मुंगेर, बढ़िया, कहलगांव और बक्सर में काम किया जाना है। ऑनलाइन क्लास में घटाई बिहार की सफलता दर। कोविड-19 के माहौल में शैक्षणिक संस्थान अब स्कूल के कमरों से घर के कमरों में शिफ्ट हो गए हैं। कोविड-19 के कारण ही कोचिंग संस्थानों को ऑनलाइन क्लास चलाने का विकल्प है, मगर संसाधनों की कमी, नेट की स्पीड और अन्य कारणों से यह छात्रों के हित में नहीं साबित हो रहा है। यही कारण है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के रिजल्ट पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है और राज्यों का सक्सेस रेशियो घट रहा है। राज्य में हर एक साल बोर्ड, इंजीनियर, मेडिकल, रेलवे, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 22 लाख छात्र बैठते हैं। इनमें से राज्य में 11 से 12 लाख छात्र कोचिंग क्लासेस के माध्यम से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। केवल पटना शहर में चलने वाले कोचिंग संस्थान में 8 लाख से ज्यादा छात्र अपनी तैयारी करते हैं। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार से जुड़े लोगों ने इस बात की चिंता जताई है। साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से भी कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। बिहार में 14 और 15 दिसंबर को बारिश की जताई गई संभावना। बिहार में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। हालांकि अभी तक कड़ाके की ठंड देखने को नहीं मिली है, मगर राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 14 और 15 दिसंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा का कहना है कि अंतिम सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, साथ ही आने वाले 2 दिनों में बारिश की संभावना भी देखी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटे में पटना में कोहरे का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया था। बिहार में कुछ जगह पर शनिवार को ठंडी हवाएं चली थी, साथ ही कई स्थानों पर बारिश भी देखने को मिली। हालांकि बिहार में ऊपरी परत पर धुंध छाई रही, इसी वजह से धूप काफी कम रही और अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे संजय लल की। संजय लल का जन्म 23 दिसंबर 1940 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संजय लल एक विकास अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और ग्रीन टेम्पल्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के फेलो थे। लल का अनुसंधान हितों में विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों के अर्थशास्त्र और विकासशील देशों में तकनीक क्षमता और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का विकास शामिल है। दुनिया के पूर्व प्रख्यात विकास अर्थशास्त्रियों में से एक, लल ऑक्सफोर्ड डेवलपमेंट स्टडीज के संस्थापक संपादकों में से एक थे और विश्व बैंक में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बयान। बिहार में बढ़ते अप्रिय वाक्यों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी सजगता से काम कर रहे हैं और लगातार तीसरी बार समीक्षा बैठक भी उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर खास तौर पर नजर रखा जाए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्ती दिखाई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। अप्रिय वाक्यों को रोकने के
लिए किसी प्रकार में कोताही ना बरते, कानून का सख्ती से पालन हो और कोई भी गड़बड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाए। सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि सभी लोग सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार की गई समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश किया कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर और बढ़ाई जाए। सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभियोजन पदाधिकारी और संबंधित वकील के साथ नियमित रूप से मामले की समीक्षा करें और जल्द से जल्द सभी मामलों को निपटाए। बिहार के सभी जिले में मौसम के अनुकूल खेती की बन रही योजना। बिहार के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मौसम के अनुकूल खेती करने के प्रावधान पर सख्ती से पालन किया जा रहा है और यही कारण है कि बिहार के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल खेती इसी रबी मौसम में शुरू होने वाली है। खेती के लिए हर जिलों में गाँव का चयन पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही फसल कैलेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जिले के हिसाब से तैयार हो चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने की 14 तारीख को पहली बार 30 जिलों में योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा 8 जिलों में दूसरे साल की खेती भी उसी दिन शुरू होने वाली है। योजना में खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि रबी में इसके लिए हर जिले में कम से कम 623 एकड़ जमीन में खेती खुद सरकार करवाए या किसानों की खेती की जानकारी देने के लिए यह उपयोग किया जाए। योजना के लिए चयनित बड़े कृषि संस्थानों की देखरेख में रहने वाले खेती का खर्चा सरकार देगी और मुनाफा किसानों को होगा। बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदारों को मिलेगा म्यूटेशन से छुटकारा। बिहार में अब जमीन और फ्लैट खरीदारों को म्यूटेशन कराने से छुटकारा मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही म्यूटेशन सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। म्यूटेशन के लिए अब जमीन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड एक ऐप के माध्यम से अंचल अधिकारी के पास चला जाएगा। इसके लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से भी जोड़ने का फैसला लिया गया है। सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं। इसी महीने से इसकी शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी की माने तो इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने की योजना बनाई जा रही है और तारीख भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव के तहत 19 फरवरी को जारी होगा वोटर लिस्ट। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट निकाले जाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद अंतिम प्रकाशन की तारीख 19 फरवरी 2021 तय कर दी गई है। इसके साथ ही इसकी सूचना सभी जिलों के डीएम को भी दी जा चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिए भी मान्य होंगे। विधानसभा चुनाव की तरह ही 1 जनवरी 2020 की वोटर बनने की अर्हता तारीख होगी। इसी आधार पर ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि पंचायतवार नया वोटर लिस्ट बनाने का काम जिला निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में होगा। 14 से 28 दिसंबर 2020 तक वोटर लिस्ट का वार्डवार विखंडन होगा। इसके तरह ही जारी किए गए पत्र में यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय पर होगा। बिहार में सीएनजी वाहनों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। बिहार में प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की पहल शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार में सीएनजी बसों का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में डीजल बसों का भी सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल ऑटो को भी सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम शुरू हो चुका है। अगले साल पटना और उसके आसपास डीजल ऑटो का परिचालन लगभग बंद हो जाएगा। वायु और ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बार सरकार पर ही सवाल उठाए गए हैं। इसको देखते ही सरकार की तरफ से योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर परिवहन विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस बाबत परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि परिवहन विभाग ने इस साल सार्वजनिक परिवहन के चलते चलने वाली डीजल बसों को धीरे धीरे सीएनजी में परिवर्तित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। कई बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया है। आज से खत्म हो गया शादी विवाह का लगन। हर साल की तरह इस बार बड़ी संख्या में शादियां नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण कोविड-19 रहा, जिसके कारण अधिकतर मुहूर्त पर परमिशन नहीं मिलने के चलते शादियों को टाल दिया गया। दूसरी तरफ ठंडी की शुरुआत से ही शादियों में कुछ तेजी देखने को मिली। शादी के लिए इस साल का आखिरी लगन 11 दिसंबर को ही खत्म हो गया। इसके बाद इसमें 4 महीने का विराम लग गया है। अब 4 महीने तक शादियों की गूंज नहीं सुनाई देगी। जानकारों की माने तो अब शादी विवाह का शुभ लगन अप्रैल और मार्च महीने में शुरू होगा। इसको लेकर पंडित राम शंकर झा ने कहा है कि शुभ लगन का मुहूर्त रविवार से खत्म हो रहा है, जो मार्च में एक बार फिर से शुरू होगा। वहीं लोगों के शादी विवाह में बैंड बजाने वाले बैंड वाले कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तौर पर उनकी कमर टूट गई थी। हालांकि पटना जिला प्रशासन के आदेश के बाद हाल ही के दिनों में हुए शादी विवाह के कारण उन्हें थोड़ा आर्थिक लाभ जरूर मिला है। कृषि कानून के समर्थन में भाजपा ने भरा हुंकार। कृषि कानून के समर्थन में बिहार भाजपा की तरफ से किसान सम्मेलन की शुरुआत आज से हो गई है। 13 से 25 दिसंबर के बीच सम्मेलन का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक मंत्री शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना बख्तियारपुर में पहला सम्मेलन किया। कृषि कानून के समर्थन में हर जिले में किसान
सम्मेलन किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसान पंचायत का आयोजन भी करवाया जा रहा है। सम्मेलन में जनता को यह बताया गया कि यह किसान बिल उनके पक्ष में है न कि इससे उनका कोई नुकसान है। विरोध करने वाले महज राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन को हवा दे रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान समय में किसान बिल को लेकर सभी किसान विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। बिहार से निकली अभिनेत्री नेहा शर्मा की स्विम सूट वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और बिहार से निकली अभिनेत्री नेहा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। वो अपने फैंस के बीच चर्चा में बने रहने के लिए दिलचस्प पोस्ट भी शेयर करती आई है। वहीं हाल ही में नेहा शर्मा ने अपना बोल्ड फोटो शूट शेयर किया है। नेहा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी जबरदस्त बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। इस फोटो में नेहा ब्लैक स्विम सूट में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, नेहा ऐसे ब्लैक स्विम सूट में अपनी फिट बॉडी फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में नेहा पानी के अंदर खड़ी दिख रही है। इस फोटो को नेहा की मुस्कान ने और भी खूबसूरत बना दिया है। हालांकि नेहा ने बताया कि यह फोटो अभी की नहीं है बल्कि एक थ्रोबैक फोटो है। इसको शेयर करते हुए नेहा ने कैप्शन में लिखा, इस वक्त पिछले साल। इसके कैप्शन के साथ ही उन्होंने कहा कि यह उनके पिछले साल के हवाई वेकेशन की फोटो है। पहले टेस्ट में विकेटकीपर के रूप में रिद्धिमान साह और ऋषभ पंत में से संजय मांजरेकर ने बताई अपनी पसंद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडलेड ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह पहला टेस्ट मैच डे एंड नाइट होगा। भारत से पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेल चुका है, लेकिन घर से बाहर भारतीय टीम का यह पहला डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है। पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के पास विकेटकीपिंग के 2 विकल्प मौजूद है, जिसको लेकर भी अब भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने रिद्धिमान साह को विकेट कीपिंग के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। जिसके तहत उन्होंने कहा है कि टेस्ट में हमेशा मैं विकेट कीपिंग का कौशल पहले रखना चाहूंगा। अगर विकेट कीपर स्टीव स्मिथ का कैच जल्दी छोड़ दे और फिर वो 200 रन बना दे, तो इसलिए मैं शाह के साथ जाऊंगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में गति के खिलाफ एक बेहतर कीपर की जरूरत है, इसीलिए भी साह मेरी पहली पसंद है। गूगल जल्द ही अपने यूजर को देने वाला है नई सुविधा। अपने उत्पादों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए गूगल हमेशा प्रयासरत रहता है। तकनीकी क्षेत्र अब कार्य क्षेत्र में अधिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित सुविधाओं को जोड़ने का फैसला गूगल ने लिया है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को डॉक्स शीट्स और स्लाइड्स के माध्यम से जीमेल में भेजी गई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइलों को खोलने और प्रबंधित करने में आसान बना देगी। नया अपडेट उपयोगकर्ता के साथ साथ व्यक्तिगत गूगल खातों के साथ साथ गैर लाभकारी ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इस अद्भुत विशेषता के साथ उपयोगकर्ता अब पृष्ठ अभिन्यास को प्रति अनुभाग आधार पर बदल सकते हैं। आपको बता दें, गूगल डॉक्स में बनाए गए दस्तावेजों के लिए यह उपयोगकर्ताओं को टेबल और छवियों जैसे व्यापक सामग्री के लिए जगह बनाने देता है, जो अतिरिक्त स्थान में लाभ उठा सके। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में सीएनजी वाहनों की संख्या को बढ़ावा देना प्रदूषण को नियंत्रण करने में कारगर साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।